नमस्कार, मैं बोल अभय कुमार वो देख रहा है हैंड टाइम्स न्यूज, सच और कुछ नहीं, आपकी खबर आप तक। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कैंडल मार्च निकाला। आज शाम को एनएसयूआई के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला जो कि बुलंदशहर में सुबोध सिंह राठौर को गोली मारकर हत्या कर दी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिससे उनको न्याय मिल सके तथा इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष शाहरुख पठान, आशीष सोनू पठान, सफीक अहमद अंसारी, सलीम अहमद, आकाश तबरेज, अख्तर स्माइल अली, आदर्श सोनू खान उर्फ शहजाद, अकबर सिद्दीकी, शकील अरमान, इरशाद निजाम, कमरुद्दीन इमरान, गुल्लू शकील, कुर्बान इत्यादि आप लोग शामिल रहे। आप सिद्धार्थ चौराहे पर आज किस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ इसलिए कैंडल मार्च निकाले हैं कि जो कल बुलंदशहर में सुबोध सिंह राठौर नामक इंस्पेक्टर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, इसी लोगों हम लोगों ने सभी लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और जिससे सुबोध सिंह राठौर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मिल सके। हमारे यहाँ पर सभी एनएसयूआई और भी साथी संगठन के लोग आए और सभी साथियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला। ये घटना काफ़ी दुखद है। योगी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कई वादे किए थे कि ये प्रदेश भयमुक्त हो जाएगा, यहाँ बलात्कार कम होंगे। यहाँ पर आए दिन हत्या हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। जब एक पुलिस इंस्पेक्टर गोली खा सकता है तो आम जनता का क्या होगा? आप इस धरने को किस पार्टी के तहत कर रहे हैं? मैं एक एनएसयूआई संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, इसीलिए मैं ये एनएसयूआई संगठन के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया। आपका नाम? शाहरुख पठान, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई। धन्यवाद।